शहनाज ने पछाड़ा हिमांशी खुराना को। ट्रेंडिंग में है सिडनास। दरअसल एक वक्त था जब हिमांशी शहनाज से आगे थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शहनाज पूरे हिंदुस्तान की फेवरेट बन चुकी हैं। आज के समय में हिमांशी को पीछे छोड़ शहनाज आगे बढ़ चुकी हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला जल्द ही एक रोमांटिक एल्बम में नजर आने वाले हैं, और इस सॉन्ग का नाम है भुला दूंगा, जिसका 2 दिन पहले ही पोस्टर रिलीज हो चुका है। पोस्टर रिलीज के साथ ही इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर भी था। बता दे, शहनाज और हिमांशी दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम पर भी सॉन्ग के पोस्टर को रिलीज किया था। और यहाँ पर आपको बता दे, आसिम और हिमांशी का भी सॉन्ग जल्द ही रिलीज होने वाला है, वो भी 19 मार्च यानी कि आज ही 5 बजे रिलीज होने वाला है। इसी के साथ हिमांशी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर रिलीज किया था इससे पहले। यहाँ पर शहनाज गिल से कम लाइक्स मिले हैं हिमांशी खुराना को। जी हाँ, हिमांशी खुराना के लाइक्स कम है। इसी के साथ सिडनास के न्यू एल्बम की प्रमोशन भी शुरू हो चुकी है। सिडनास के फैंस अपनी गाड़ियों पे पोस्टर लगाकर कर रहे हैं भुला दूंगा एल्बम का फुल प्रमोशन। आप भी देखें ये तस्वीरें। सिडनास के फैंस काफी बेसब्री से इस सॉन्ग का इंतजार कर रहे हैं। वेल, अब ये सॉन्ग कब रिलीज होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बता दे, अगर आपने सोशल साइट्स देखा है तो अभी आसिम और हिमांशी के एल्बम के लिए फैंस हैं जो इतने एक्साइटेड नहीं हैं जितने कि सिडनास की एल्बम के लिए हैं। तो इस कदर ये फैंस की दीवानगी देख कर कि साफ साफ पता चल रहा है कि सॉन्ग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस अपडेट पर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।